Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस 10 श्रृंखला वाले व्याख्यान में स्वच्छता के समाजशास्त्र में आज हम स्वच्छता एवं पर्यावरण के अंतःसंबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। इस छठे व्याख्यान में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पर्यावरण और स्वच्छता किस रूप से आपस में संबंधित है। हमने पिछले पांचवें व्याख्यान में इस बात पर चर्चा की थी कि समाजीकरण का स्वच्छता में क्या महत्वपूर्ण योगदान है और स्वच्छता को समाजीकरण के माध्यम से कैसे हम ठीक से रख सकते हैं या हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं या समाजीकरण के माध्यम से हम परिवार में, कार्यालयों में, स्कूल में, कॉलेज में या अन्य जगहों पर स्वच्छता से संबंधित जो अपने विचार हैं उसको कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको कैसे आने वाली पीढ़ी को सिखा सकते हैं और इस तरह से हम अच्छे समाजीकरण पाकर अपने व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं स्वच्छता से संबंधित। इन विभिन्न मुद्दों पर हमने इससे पिछले व्याख्यान में समाजीकरण और स्वच्छता पर हमने चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पर्यावरण का और स्वच्छता का आपस में क्या संबंध है। अगर हम पर्यावरण की बात करें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्यावरण में वह बहुत कुछ आता है जिसके कारण ही हमारा जीवन संभव हो पाया है, हम जीवित रह पाते हैं, इसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही पर्यावरण को बनाए रखने में भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से पर्यावरण हमें सुरक्षित रखता है और हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि हमारा यह शरीर जो है वह इसी आसपास घूमता रहता है, इस पर्यावरण से पूर्णतः संबंधित है। और इसीलिए जब हम यह विचार करते हैं और हमारे शरीर की रचना के बारे में जब यह तक कहा जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा, जब यहाँ तक कहा जाता है तो इस शरीर में हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि वैसे कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन से पंच तत्व हैं जिससे यह शरीर बना हुआ है और जिससे यह शरीर बना हुआ है उसका पर्यावरण से क्या संबंध है। क्या हम पर्यावरण को असुरक्षित रखकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? क्या हम पर्यावरण की रक्षा बिना किए अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं? क्या हम पर्यावरण को बिना स्वस्थ रखे हम स्वच्छता के बारे में सोच सकते हैं? क्या स्वच्छता को बनाए रखना एक अच्छे पर्यावरण के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? इस तरह से समाज, मान्यता, संस्कृति, मूल्य, स्वच्छता, पर्यावरण, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चूँकि स्वच्छता का समाजशास्त्र में हम न सिर्फ मूलभूत तत्वों की चर्चा करते हैं, अवधारणाओं की चर्चा करते हैं, अपितु इस बात पर भी मंथन करते हैं कि हमें किस रूप से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आज भी सुरक्षित रहे, हमारा समाज भी सुरक्षित रहे, स्वच्छता का अच्छा वातावरण बना रहे और साथ ही हमारा कल जो है वह भी अच्छा बना रहे। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छा स्वस्थ समाज दें और पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रखें। जब हम समाज और पर्यावरण की बात करते हैं तब हमें यह निश्चित रूप से सोच लेना चाहिए कि यह पर्यावरण पर पूरे जो इस विश्व में रह रहे हैं या अगर हम अपने राष्ट्र की बात करें, अपने समाज की बात करें, तो जिसके लिए वह पर्यावरण है, जो उस पर्यावरण से संबंधित हैं, उसका समान रूप से अधिकार है। अगर इस पर्यावरण पर सबका अधिकार है तब इसका जो उपयोग कर रहा है, उसका जो उपयोग हो रहा है, वह निश्चित रूप से समुचित उपयोग हो। पर्यावरण का विनाश तभी होगा जब इसका हम असंयमित उपयोग करेंगे, इसको हम अनियंत्रित रखेंगे। अगर हम अपने पर संयम रखते हैं, अगर हम पर्यावरण के उपयोग के समय इस बात पर मंथन चिंतन करते हैं कि इसके बिना हमारा क्या काम नहीं चल सकता है, या मेरा जो यह व्यवहार है उससे क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाला है, अगर हर अपने क्रिया के संबंध में अगर हम इस बात पर चिंतन शुरू कर दें कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, क्या वह आने वाले समय में पर्यावरण को नुकसान देगा या इससे पर्यावरण को लाभ हो सकता है। अगर ऐसी धारणा हमारी रहेगी, अगर हम ऐसे चिंतन परंपरा में चलेंगे, हम ऐसे ही सोच के अपना काम करेंगे, तब निश्चित रूप से हम अपने समाज को स्वच्छ भी रखेंगे, स्वस्थ भी रखेंगे और पर्यावरण को भी निश्चित रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करें कि अगर पर्यावरण सबके लिए है, किसी का व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, तब क्या हम इस पर्यावरण का समुचित उपयोग कर रहे हैं? हम इसका उतना ही उपयोग कर रहे हैं जितना मुझे इसका हिस्सा मिला हुआ है, या मैं ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहा हूँ इस पर्यावरण का, दोहन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और जिसका और व्यक्ति का जिसका इस पर अधिकार है उसको उसके अधिकार से वंचित तो नहीं कर दिया गया है। हमें समान वितरण के बारे में भी सोचना चाहिए। यह जो संसाधन है पर्यावरण के द्वारा जो हमें मिला हुआ है, इस पर हमें इस बात पर ही सोचना चाहिए कि यह एक नज़र में लगता है या हम समझ रहे हैं कि यह मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन इसका भी अंत है। इसलिए इसकी रक्षा हमें इस तरह से करनी चाहिए, जैसे कि अगर हम इस तरह से अनियंत्रित रूप से इसका उपयोग करते रहेंगे तो कल जाके इसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। सामान्य रूप में चूँकि यह सामान्य रूप में मुफ्त में मिल जाता है पर्यावरण या अच्छा स्वास्थ्य, या हम अच्छे सांस ले पाते हैं अच्छे हवा में, तो आवो हवा में हम अच्छे सांस ले पाते हैं, इसके लिए अलग से कुछ हमें रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता है। इसीलिए शायद हम इसका महत्व उतना नहीं जान पाते हैं। ऐसा देखा जाता है सामान्यतः कि कोई विज्ञापन आता है, उसमें अगर किसी उत्पाद पर 10% या 20% उसमें मुफ्त की योजना बताई जाती है, तो उस 10 या 20% मुफ्त योजना के कारण हम उसको खरीद लेते हैं, या हमारे उस मुफ्त योजना पर हमारा लालच आ जाता है या उसकी ओर हम आकृष्ट हो जाते हैं। आप जरा सोचें, ये वह पर्यावरण है जो हमें एक नज़र में लग रहा है कि मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन इस पर्यावरण पर अन्य कई लोगों का भी अधिकार है। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम इसका उपयोग इस तरह से करें जिसके बाकी जो इसके उपयोगकर्ता हैं उसके लिए भी यह कुछ बच सके। आज हमें यह महसूस नहीं हो रहा है कि हम अगर इसका ज़्यादा दोहन करेंगे तो आने वाले दिनों में क्या नुकसान होगा, लेकिन कई शहरों में अगर आप अपने मित्रों से या बाकी सगे संबंधियों से वार्तालाप करते होंगे तो आज का जो पर्यावरण है वह बहुत दूषित हो रहा है। धीरे धीरे दूषित पर्यावरण में रहना आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। जब हम अच्छे साफ सफाई या स्वच्छता की बात करते हैं तब निश्चित रूप से हमारा यह उद्देश्य होता है कि अगर हम स्वच्छता का माहौल बना के रखें, स्वच्छता से रहें, स्वच्छता से संबंधित अपना उचित व्यवहार करें, तो इससे अच्छे पर्यावरण का निर्माण होता है। अच्छे पर्यावरण का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आपका चिंतन अच्छा रहेगा, आपका बच्चा या आपके मित्र या आपके सगे संबंधी अच्छे पर्यावरण में भी वो रह पाएंगे। यहाँ यह हम सोचने की ज़रूरत है कि जब हम अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे साफ सफाई या स्वच्छता की बात करते हैं तो यहाँ यह सोचें कि इसमें असमान वितरण ना हो। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई इस लिंग का है, कोई उस लिंग का है, कोई इस क्षेत्र का है, कोई उस क्षेत्र का है। इस तरह के छल प्रपंच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसको मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर सकूं, अपितु हमें इसमें उदार मानसिकता रहनी चाहिए और उदार मानसिकता रखते हुए हम इसमें यह प्रयास करें कि हम भी उतना ही इसका उपयोग करें जितना उपयोग करना मेरे लिए अनिवार्य है, और दूसरों को भी जितना उनको ज़रूरत है उनको उपयोग करने के लिए इस पर्यावरण का जो उनका भाग है वह उनको निश्चित रूप से मिले। साथ ही जब हम ये सोचते हैं कि अलग अलग क्षेत्र का पर्यावरण अलग अलग रहता है, जैसा कि खान पान अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग होता है, वेशभूषा अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ के जलवायु, वहाँ की भौगोलिक दशा अलग अलग प्रकार की हुआ करती हैं। उसी के अनुरूप वहाँ का खान पान, वहाँ की और सांस्कृतिक विशेषताएं बनाई जाती है। इस तरह से आपके परिवार के द्वारा, आपके समाज के द्वारा उस क्षेत्र विशेष के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब स्वास्थ्य और स्वच्छता का समाजशास्त्र की चर्चा कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें अपने को उदार करना पड़ता है। अर्थात सामान्य रूप में यह पाया जाता है कि जैसे घर में साफ सफाई की व्यवस्था महिलाओं के जिम्मे होती है, घर से बाहर पानी लाकर घर में लाना यह महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह देखा जाता है कि महिलाएं ही सर पर ढोकर जलावन की लकड़ी बाहर से लाती हैं। यहाँ हमें यह भी देखना चाहिए कि एक तो यह काम हम सिर्फ महिलाओं के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं। अगर बाहर से जल लाने की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से हमारे पुरुष साथी भी उनका योगदान कर सकते हैं। अगर साफ सफाई में अगर हम महिलाओं का भी योगदान कर सकते हैं, महिलाओं का हाथ बटा सकते हैं, इसी तरह जंगल से जब लकड़ियाँ वो लाती हैं इसमें भी हम उनका योगदान कर सकते हैं। अंततः हमें ये ध्यान ही रखना चाहिए कि यह असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण ने जो आपको दिया है, सृष्टि ने जो आपको दिया है, वह चिरकाल तक, अनंत काल तक चलता रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। हमें मानसिक रूप से निश्चित रूप से उदार होना चाहिए, स्वच्छता से संबंधित या स्वच्छता के समाजशास्त्र से संबंधित, लेकिन हमारी मानसिक उदारता अन्य कामों में होनी चाहिए। हमें इसके उपयोग करने में अपनी उदारता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो कि आज हम ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं किंतु कल हम इसी सब चीज़ों के लिए जो जिसका आज हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, कल जाके हम इन्हीं सब चीज़ों के लिए परेशान हो जाएं कि हमें यह मिल ही नहीं रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आजकल तो गांवों में भी, पहले यह कुछ शहरों की समस्या थी, आजकल तो बाकी क्षेत्रों में भी विभिन्न तरह के प्रदूषण की आप चर्चा सुन रहे होंगे। कई प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं। जैसे वायु प्रदूषण का आपने सुना होगा, पर्यावरण का अभिन्न अंग है। अगर आप स्वच्छता का निर्वहन नहीं करेंगे, अगर आप ठीक से साफ सफाई में नहीं रखेंगे, तब निश्चित रूप से वह किसी न किसी रूप में वायु को प्रदूषित करता है। और वायु प्रदूषण से न सिर्फ अलग अलग तरह की शारीरिक समस्याएं होंगी, बल्कि आने वाले दिनों में ऐसे विकराल रूप आ जाएंगे जिससे मनुष्य का जीवित रहना भी दुष्कर हो सकता है। तो जैसे एक वायु प्रदूषण समस्या है जो बड़े शहरों में है, कई बार आप समाचार पत्रों में या टेलीविजन के न्यूज़ चैनल सब में आप यह सुनते होंगे, ऐसे समाचार देते रहते हैं कि उस शहर में ये जो स्तर है वायु प्रदूषण का बहुत भयावह हो गया है, वहाँ के लोग रहने में बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं जो आजकल आपको दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि अब सिर्फ कहा जा रहा है कि वातावरण बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग जो है यह सिर्फ दूसरों के मुंह से आप सुनते आ रहे हैं, बल्कि आप खुद अब ये अनुभव कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की पर्यावरण से संबंधित समस्याएं आती रही हैं। अगर हम स्वच्छता से संबंधित जो विचार दिए जाते हैं, हमें जो अपने व्यवहार नियंत्रित रूप से करना चाहिए जिससे हमारा घर परिवार या आसपास भी स्वच्छ रहे, स्वच्छता का माहौल रहे और उससे पर्यावरण भी दूषित न हो, इससे वायु प्रदूषित न हो। तो वायु अगर स्वच्छ रहेगा तभी तो हम स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे और अच्छी तरह से जिंदा रह पाएंगे। उसी तरह से न सिर्फ वायु प्रदूषण है, अगर आप देखें तो जल प्रदूषण भी है। हम अगर स्वच्छता को ध्यान में न रखते हुए ऐसी कई चीज़ें जब हम नदी में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं या तालाब में दे देते हैं, जिससे वह जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित करने से न सिर्फ उसके उपयोग करने पर मनुष्य को उससे नुकसान होगा, अपितु उसमें जो रहने वाले अन्य जीव हैं उनको भी हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान कर रहे हैं। अगर हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं तो उससे जो अलग तरह के जो सतह बनेंगे जल के, कल जाके हमको उसमें भी समस्या आएगी। तो इसमें भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छता से संबंधित अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको जल में नहीं हमें डालना चाहिए, अगर हमारे लिए वह बेकार है या हम समझ रहे हैं कि जल में इसको डालने से इसका नुकसान होगा, तो निश्चित रूप से जल प्रदूषण करने से हम अपने आप को रोक लें। जैसा कि आप जानते हैं कई ऐसे धार्मिक मान्यताएं हैं, अभी हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे थे, उन धार्मिक अनुष्ठानों के कारण वायु जो है वह निश्चित रूप से शुद्धिकरण का काम करता है। कई ऐसे यज्ञ हवन होते हैं, कई ऐसे और संस्कार होते हैं जिससे प्रदूषित वायु को शुद्धिकरण किया जाता है। उससे उस तरह की जो वायु जाएगी हवा में, उससे एक अलग तरह का आभा बनेगा और जो अशुद्ध जो वायु है वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा। तो यह जैसे एक सकारात्मक पहलू है वायु को शुद्ध करने का, उसी तरह ऐसे भी कई धार्मिक अनुष्ठान हैं, अलग अलग तरह के परंपराएं हैं जो करते रहने से जल प्रदूषित हो जाता है। तो हमें इसमें भी संयम रखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इन धार्मिक मान्यताओं का, इन सांस्कृतिक पहलुओं का हम क्या कोई और विकल्प है या इसी चीज़ को हम किसी और तरह से करें जिससे हमारी धार्मिक मान्यताएं भी आहत न हो और वातावरण भी प्रदूषित न हो, जल प्रदूषित इससे न हो। चाहे हम वायु प्रदूषित कर रहे हों या जल प्रदूषित कर रहे हों, इसमें भी हमें सजग रहना चाहिए। इसी तरह से जो मृदा प्रदूषण है या मिट्टी का प्रदूषण है, इसमें भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जब हम कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, निश्चित रूप से इसी मिट्टी पर, आपके घर के आसपास नहीं, किसी पड़ोसी के घर पर, घर के आसपास, तो वह निश्चित रूप से चला ही जाता है। और अगर हम यह सोचते हैं कि मेरे घर के आसपास का वातावरण सिर्फ इस पर निर्भर है कि मैं अपने घर से थोड़ा दूर करके उस कूड़ा कचरा को फेंक रहा हूं, तो यह ऐसा नहीं होता है। ये पर्यावरण जो है या वातावरण का निर्माण होता है, यह कुछ सीमित क्षेत्र के लिए नहीं होता है, यह बहुत व्यापक होता है। तो जब आप किसी चीज़ को किसी मिट्टी पर फेंक रहे हैं, आप एक बार जरूर सोच लें कि इस तरह से गड्ढा में डालने से या मिट्टी पर वैसे फेंक देने से, या किस तरह से हम इसका निदान करें, किस तरह से इसको हम फेंकें जिससे स्वच्छता का वातावरण रहे और पर्यावरण किसी तरह से दूषित न हो। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण भी है। जब आप वार्तालाप करते हैं या जब आप व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए ऊंची आवाज़ में कुछ सुन रहे होते हैं या अलग अलग अवसरों पर, आपके लिए हो सकता है वह मनोरंजन का साधन हो, लेकिन एक तो एक खास स्तर से ऊंची आवाज में अगर आप वह मनोरंजन का साधन सुन रहे हैं तो आपके लिए भी निश्चित रूप से वह हानिकारक है। अपितु इसके साथ ही जो और लोग उसको सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे जगह में हैं, खुले जगह में हैं जहां जोर जोर से आवाज की जा रही है, तो निश्चित रूप से वह आपको भी परेशान करेगा। साथ ही आपके आसपास जो लोग हैं जहां दूर दूर तक वह आवाज़ जा रही है, उनको भी उतनी ही परेशानी होगी। तो ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा चीज़ है जिस पर आप सोच सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण भी हम किस तरह से कम करें। इसी तरह से चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, आप इस पर आप एक निश्चित रूप से चिंतन करें कि मेरे व्यक्तिगत व्यवहार से या मेरे परिवार के कारण या उन लोगों के द्वारा जो जिनको अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो मेरी बात सुन सकते हैं, तो मेरा क्या योगदान हो सकता है, मैं व्यक्तिगत रूप से कैसे इसमें अपना योगदान दे सकता हूं। या पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अगर हम स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं तो इससे हम क्या सीखें जिससे पर्यावरण और स्वच्छता, समाज का जो अंतर्निहित संबंध है, वह किस तरह से अच्छी दिशा में जाए और हमारा जो व्यवहार है स्वच्छता से संबंधित वह किसी रूप में समाज को दूषित न करे, पर्यावरण को दूषित न करे। इसके लिए हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि यह पर्यावरण से संबंधित जो समाज है, पर्यावरण से संबंधित जो स्वच्छता है, तो स्वच्छता से संबंधित जो पर्यावरण के विभिन्न आयाम हैं उस पर हम चिंतन मनन करें और यह सोचने की कोशिश करें कि हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। हम अपने आसपास के पर्यावरण को, निश्चित रूप से बहुत दूर का पर्यावरण, बहुत दूर का क्षेत्र आपके हाथ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी है अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन हम अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको सुधारने में अपनी महती भूमिका निश्चित निभा सकते हैं। और इसी प्रकार हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको हम अच्छी तरह से रखें, जिससे जो वातावरण है वह बहुत अच्छी तरह से बना रह सके। इसके बारे में अगर हम अवधारणा की बात करें, पर्यावरणीय स्वच्छता को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO भी कहा जाता है अंग्रेजी में, WHO ने इसको पर्यावरणीय स्वच्छता को परिभाषित करते हुए कहा है, पर्यावरणीय स्वच्छता को मनुष्य के भौतिक वातावरण में उन सभी कारकों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित करता है जो उसके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य और अस्तित्व पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं या डाल सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छता में लोगों की भलाई को प्रभावित करने वाली बुनियादी पर्यावरणीय स्थिति के मानक को सुधारने या बनाए रखने के उद्देश्य से की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पर्यावरणीय स्वच्छता की बात करते हैं तो वो कौन कौन से मुख्य तत्व हैं जिस पर हमें विमर्श करने की ज़रूरत है। इसके बारे में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए जो विचार हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। स्वच्छ एवं सुरक्षित जल आपूर्ति निश्चित रूप से हम सब के लिए जरूरी है। आप भी चाहते हैं कि हम वैसा ही पानी पिएं, वैसा ही पानी का उपयोग करें जो स्वच्छ भी हो और सुरक्षित भी हो। इसमें भी हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि स्वस्थ और स्वच्छ रहना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके प्रसंग में हम अपने लिए भी ऐसा ही करें और हमारा कोई व्यवहार न हो ऐसा जिससे दूसरों को भी स्वच्छ और सुरक्षित जल की आपूर्ति में बाधा हो, यह भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। उसी तरह से स्वच्छ एवं सुरक्षित परिवेशी वायु, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, हम ऐसा कोई व्यवहार न करें जिसके कारण हमारे कारण आसपास का वातावरण, आसपास की आबोहवा कुछ दूषित हो। तो वातावरण को सुरक्षित रखना, आसपास के वायु को सुरक्षित रखना भी हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है और वह इसी में आता है। इसी तरह से कुशल और सुरक्षित पशु, मानव और औद्योगिक अपशिष्ट निपटान, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसी तरह से अगर कोई जानवर जब मर जाता है या औद्योगिक क्षेत्रों से ऐसे कुछ जो गंदे पदार्थ निकलते रहते हैं उसकी निकासी हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि ऐसी जगह हो जहां उसका नुकसान बहुत कम से कम किया जा सके। इसी तरह से जब हम किसी मृत जानवर को दूसरे जगह फेंकते हैं तो उसको हम उसका समुचित व्यवस्था करें। क्या करने से दूषित वातावरण नहीं होगा, क्या करने से जल प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा, यह सुनिश्चित करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। इसी तरह स्वच्छ और सुरक्षित परिवेश में पर्याप्त आवास बन पाए। हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आप दिन रात रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ अगर सुरक्षित वातावरण नहीं होगा, वहाँ अगर आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक से नहीं देख पाएंगे, अगर वातावरण अच्छा नहीं बना रहेगा तो आपके दैनिक दिनचर्या में भी बाधाएं आएंगी। इसीलिए इसको भी हमें सुनिश्चित रखना है कि यह सब पर्यावरणीय स्वच्छता का ही एक अभिन्न अंग है। यह जो लिया गया है यह बीके नागला की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, उस पुस्तक से इस अंश को लिया गया है। अब हम अगर बात करें तो हमारे आपके परिवार में, हमारे आपके समाज में ऐसी बहुत कुछ व्यवस्था की गई है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। इसकी अगर चर्चा करें, हमने यहाँ आपको दो दिखा रहे हैं, दो ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, ऐसे चित्र हैं जिससे आप जान सकते हैं कि अलग अलग भाग में किस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रखे। सबसे ऊपर का जो आप चित्र देख रहे हैं वह बिहार के मिथिला क्षेत्र का है, जो केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है और केले के पत्ते पर नीचे बैठ के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यह भोज में व्यवस्था की जाती है और नीचे का जो वातावरण आप देख रहे हैं वह गोबर से सफाई की गई है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं आजकल वैसे शहरों में फिनाइल या अलग अलग नामों से कई ऐसे प्रकार के रासायनिक पदार्थ आ गए हैं साफ करने के लिए, लेकिन यह गोबर से जब साफ की जाती है और उस पर अगर केले के पत्ते में रख के भोजन किया जाता है तो न सिर्फ ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका प्रचलन अभी भी बिहार के मिथिला क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और इसका प्रचलन अभी भी है, यह परंपरा अभी भी जीवित है। इसी तरह अगर हम दक्षिण भारत की ओर चलें, अभी भी आप पाएंगे वहाँ कि केले पत्ते पर खाने परोसे गए हैं। यह जो नीचे का चित्र आपको दिख रहा है यह केले के पत्ते पर खाने परोसे गए हैं। यह न सिर्फ इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा अपितु जो खाने वाला व्यक्ति रहेगा उसका शरीर भी निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। और इन सब के साथ ही जो स्थानीय लोग हैं जो इसका निर्माण करते हैं उनकी जीविका भी बढ़ेगी। जब हम ऐसे पर्यावरण से संबंधित ऐसे किसी चीज़ों की चर्चा करते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि इससे पर्यावरण भी की भी रक्षा की जा सकती है और वहाँ जो उसके निर्माण से संबंधित व्यवसाय में लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी आमदनी इससे बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह आप देखते होंगे, ये तो हमने खाने की बात की, अगर पीने की बात करें आप देखते होंगे आजकल चाय कुल्हड़ में खूब प्रचलित हो गई है। जहाँ कहीं आप जाएंगे कुल्हड़ में चाय आपको दी जाती है। कुल्हड़ में चाय पीने से न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है अपितु इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी प्लास्टिक या अन्य ऐसे पदार्थ से बने चीज़ों में आप चाय का सेवन करते हैं, पीने के बाद जब आप उसको फेंकते हैं तो उसका उचित निपटान नहीं हो पाता है, उचित तरीके से उसको नहीं नष्ट किया जाता है और कितना भी कर लिया जाए उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जब कुल्हड़ में चाय आप पीते हैं उससे उस मिट्टी का भी आप स्वाद ले पाते हैं। इसी तरह से कहीं एक बहुत अच्छा वक्तव्य लिखा गया था कुल्हड़ में चाय से संबंधित, जब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, वह यह लिखा था, कुल्हड़ में चाय पीना तो एक बहाना है अपनी देश की माटी को चूमने का। कुल्हड़ में चाय पीना तो एक बहाना है अपनी देश की माटी को चूमने का। कितना अच्छा वक्तव्य दिया गया था ये। इससे कुल्हड़ में चाय पीने की परंपरा भी बढ़ रही है और इससे पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है और जो कुल्हड़ बनाने में उस व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति हैं उनकी जीविकोपार्जन की क्षमता भी बढ़ रही है और आमदनी भी उसकी बढ़ रही है। तो इससे हम एक ओर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर अपना स्वास्थ्य सुधार रहे हैं, तीसरी ओर आर्थिक रूप से भी हम किसी और की मदद कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें निश्चित रूप से ध्यान से देखना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें तो हम भारत के हर क्षेत्र में, आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो सामान्य रूप से आपको मिल जाएंगे, चाहे वह नीम का पेड़ हो, चाहे वह पीपल का पेड़ हो, चाहे वह बरगद का पेड़ हो। इन सब पेड़ की से आप अच्छी तरह जानते हैं पर्यावरण जो दूषित वातावरण रहता है उसको भी शुद्ध कर सकते हैं और इन पेड़ों के रहने से हमारा पर्यावरण काफ़ी सुरक्षित रहता है। परंपरागत रूप से ये पेड़ लगाए आते जा रहे हैं और इन सब के साथ कुछ खास मान्यताएं, धार्मिक, सामाजिक, इस तरह से मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जिस तरह से हम इन पेड़ को की रक्षा भी कर सकते हैं और हम लगाते भी हैं। आजकल भी आप देखते होंगे कई लोगों में कई खास आयोजन किए जाते हैं वृक्षारोपण से संबंधित। तब अगर हम वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं या कई लोगों ने नया शुरू कर लिया है कि अपने जन्मदिनों के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर या उस कार्यालय का जब कुछ खास दिन होता है वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं, निश्चित रूप से आपको भी इसमें सहभागिता देनी चाहिए। आपकी सहभागिता से कल का भविष्य सुधरेगा, न सिर्फ उस क्षेत्र का विकास होगा अपितु आने वाले दिनों में जो वो बच्चे देख रहे हैं वो भी सीखेंगे कि इस तरह से वृक्षारोपण करने से कई तरह के लाभ होते हैं। जैसे रक्षाबंधन के दिनों में भाई के हाथ में बहन तो रक्षाबंधन राखी बांधती ही थी, आजकल आप ये भी देखेंगे कि नए रूप में लोगों ने शुरुआत कर दी है कि पेड़ को रक्षाबंधन से पेड़ में राखी बांधते हैं। अर्थात जैसे भाई अपनी बहन को आश्वस्त करता है रक्षा के लिए, उसी तरह से उस पेड़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी वह लेते हैं। इस तरह के जो प्रयास हैं इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेंगे और दैनिक दिनचर्या में आप अगर इसको ले आएंगे, अगर आप कई जगह जाके वृक्षारोपण करते हैं, अगर आप जिस कार्यालय में, जिस विद्यालय में या जहाँ जिस किसी समाज में से जुड़े हुए हैं वहाँ अगर इसमें योगदान देते हैं तो मानसिक रूप से भी आपको काफ़ी शांति मिलेगी कि हमने समाज के लिए कुछ किया, पर्यावरण के लिए किया। उसके साथ ही अगर जहाँ आप पेड़ पौधा लगाते हैं वहाँ का वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। उसके साथ ही अगर वो सुनसान क्षेत्र है तो उसमें जो लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे वह भी नहीं फेंकेंगे। इस तरह से स्वच्छता का जो माहौल है आपके क्षेत्र का, आपके समाज का, आपके गांव का या आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं उसका वातावरण भी सुधरेगा। तो इस तरह से भी आप समाज कार्य में भाग ले सकते हैं। और साथ ही अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण से जोड़ने के लिए धार्मिक रूप से भी कभी कभी आपको बताया जाता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको धार्मिक रूप से जोड़ के रखा गया है, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है और समाज की भी रक्षा होती है। यह जो आप अभी एक चित्र देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है यह बट सावित्री है। इसमें विवाहित महिलाएं बट वृक्ष को उसमें आसपास घूमकर उसकी पूजा करती हैं। इससे अपने आप को न सिर्फ वो पूजा करने के लिए यहाँ जाती हैं बल्कि साल भर इस वृक्ष की रक्षा की जाती है। और यहाँ लोग सब समझते हैं कि इस तरह से यह जो बड़ा सा वृक्ष है वह रक्षा करता है। इसी तरह आपने सुना होगा नाग पंचमी की पूजा की जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है, या वैवाहिक अवसरों पर ये हल्दी रस्म का आपने नाम सुना होगा। ऐसे कई तरह से पर्यावरण से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उसको हमारे धार्मिक अनुष्ठान के साथ जोड़ा गया है, हमारे कई पद्धति के साथ जोड़ा गया है, कई दिनचर्या के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है जिससे उसका प्रचार प्रसार भी हो और हम उसको हंसते हंसते चेतन अचेतन मन में ही उसके प्रसंग में हम सोचते रह जाते हैं। इसी तरह दूसरा जो चित्र है वह छठ पूजा से संबंधित है। आप जान सकते हैं कि सूर्यदेव उसी तरह से नदी जल या तालाब जहाँ कहीं होता है वहाँ यह पूजा की जाती है। इसमें न सिर्फ इस बहाने लोग उस जल की साफ सफाई करते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं, अपितु इससे उनके मन में ये भावना बनी रहती है कि यह तालाब या यह नदी पूर्णतः सुरक्षित रहे और इस बहाने उसकी साफ सफाई भी हो जाती है और लोग इससे करीब आ जाते हैं। इसी तरह से जो अगला आप चित्र देख रहे हैं यह है गोबर मिथिला पेंटिंग। आप सबने मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला का नाम सुना होगा। उसमें भी यह गोबर मिथिला पेंटिंग के नाम से, गोबर मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान देने के योग्य है। एक तो ये गोबर निश्चित रूप से यह प्राकृतिक चीज है, तो इस पर जो इससे जो साफ सफाई की जाती थी घर की उस पर ये चित्र अंकित किए जाते थे। दूसरा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे इसमें कई जानवर दिख रहे हैं आपको। इससे यह बताता है कि पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, समाज, इस सब में बहुत आंतरिक संबंध थे। ऐसा नहीं था कि मनुष्य का जो संबंध था वह किसी जानवर से, किसी पक्षी से या किसी पेड़ पौधे से अलग करके रखा गया था। इनमें सामंजस्य की भावना थी। जब हम अपनी विचारधारा में, हम जो भारत में इस विचारधारा को लेके चल रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि न सिर्फ मनुष्य अपितु इस विश्व में जितने भी हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हों चाहे अन्य कुछ चीजें हों, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि वह सब हमारे परिवार के अंग की तरह हैं। इसीलिए हमें उसमें सजग रहना चाहिए। इस तरह से ये जो मिथिला चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला है, इससे आपको ये शिक्षा भी मिल रही है कि हम कितने करीब हैं प्राकृतिक चीज़ों से, चाहे वो गोबर हो, चाहे वह कोई पेड़ पौधा हो जिसको दर्शाया गया है या कोई जानवर हो, इन सब चीज़ों से। इसी तरह से आप जिस किसी क्षेत्र में होंगे, आपके यहाँ कोई लोकगीत होंगे, लोक गाथा होंगे, किंवदंती होंगी, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि पेड़ पौधे, पर्यावरण, नदी, तालाब, इसके साथ कैसे हम आपसी रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कैसे हमारी निकटता है और कैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि यह सब इस पर्यावरण का ही भाग है। अगर आज हम इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, आज हम पेड़ पौधे की रक्षा कर रहे हैं, तो बदले में यही जंगल, यही पेड़ पौधा हमें जीवित रखने में मदद कर रहा है। तो हम जंगल की रक्षा करके या पर्यावरण की रक्षा करके किसी दूसरे का उपकार नहीं कर रहे हैं, अपितु ये तो परस्पर संबंध है। हम उस जंगल या पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बदले में पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है। इस तरह से हमें ये सोच लेके चलना चाहिए कि हम जितना संभव हो, क्योंकि अगर समाज में जो मान्यताएं स्थापित हैं उसके अनुरूप हम चलते रहेंगे, पर्यावरण की रक्षा करते हुए चलेंगे, तो निश्चित ही हमारा समाज अच्छे पथ पर अग्रसर होता रहेगा। किंतु अगर पर्यावरण, विकास, समाज और संस्कृति इसमें तालमेल नहीं रहता है तो निश्चित ही विकास कभी कभी विनाश का भी रूप ले सकता है। कुछ हाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें आपने पाया होगा कि कभी कभी विकास इतना भयावह हो जाता है क्योंकि उसका पर्यावरण के साथ, स्वच्छता के साथ, वहाँ की संस्कृति के साथ, वहाँ की भौगोलिक दशा के साथ तालमेल स्थापित प्राय नहीं किया गया था। वहाँ की भौगोलिक दशा, पर्यावरण, समाज, संस्कृति, इसके साथ अगर तालमेल बिना किए हुए हम विकास के बारे में अगर सोचते हैं तो वह विनाश का रूप भी ले सकता है। इसीलिए जब हम कभी विकास की बात करें तो निश्चित रूप से उसका तारतम्य उस समाज के साथ, उस पर्यावरण के साथ, वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं, इसके साथ उसका निश्चित रूप से तारतम्य होना चाहिए। इस दिशा में हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो यह पर्यावरण है, हमारा जो यह स्वच्छता का वातावरण है, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम इसमें क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब भी आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो आपके सामने कई कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर समय आपको कुछ भी अच्छा काम करने जाएंगे आपके लिए अनुकूल वातावरण भी मिलेगा। कभी कभी प्रतिकूल वातावरण भी मिलता है जिसको आप समस्या के रूप में देखते हैं। समस्याएं निश्चित रूप से पर्यावरण, स्वच्छता, समाज, इसके सामने भी कई समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर सोचें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। अगर हम अभी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उस पर अगर हम विमर्श करें तो हमारे सामने जो स्वच्छता और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। पहला जो अगर हम चुनौती को देखें तो वितरण प्रणालियों में जल के प्रदूषण की रोकथाम। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि जब हम वितरण कर रहे हैं उस समय या जब जल की निकासी होती है, प्रदूषित जल होता है, तो उसको किस तरह से, किस दिशा में दिया जाए, या उसका उपयोग अगर हो रहा है तो जिस किसी औद्योगिक क्षेत्र से या जिस किसी घर से या जहां कहीं से आ रहा है उसका समुचित देखभाल हम करें और उसकी ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें इसमें कोई समस्या न वहां के लोगों को आए, न वहां आसपास रहने वाले लोगों को इससे संबंधित कोई समस्या आए। इसी तरह से दूसरी चुनौतियां हैं पानी की बढ़ती कमी और पानी के पुनः उपयोग और संरक्षण की संभावना। इसमें क्या देखा जा सकता है कि पानी की समस्या निश्चित रूप से है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है, तो प्राय घर घर में आरओ पानी की व्यवस्था की गई है, आरओ मशीन लगाया गया है। अब यहां भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आरओ की मशीन से जब पानी निकलता है तब आप देखते होंगे कि कुछ पानी तो आपके पीने योग्य अलग से निकल जाते हैं, कुछ पानी बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है वह जो बर्बाद पानी निकल रहा है उसको आप इसी तरह से निकल ना जाने दें, उसका भी आप संचय करें, उसको भी आप जमा करें और किसी ऐसे काम के उपयोग में लाएं जिसमें आपको लगता है कि इस पानी का उपयोग उन कामों में किया जा सकता है। तो ऐसे कई काम हैं जो पीने योग्य पानी से ही नहीं किया जा सकता है। पीने योग्य पानी का काम आप पीने योग्य पानी के लिए ही लें और इसके जो अलग तरह से पानी निकल जाते हैं आरओ मशीन से उसका प्रयोग आप कई तरह से कर सकते हैं जिससे आपका पानी की बचत भी हो जाएगी और आपको तो पानी मिल रहा है। हो सकता है सभी लोग ऐसे सौभाग्यशाली ना हो जिनको पानी प्रचुर मात्रा में मिल रहा हो, तो आपने जो कुछ पानी बचाया है उसका उपयोग वो लोग भी उस पानी का कर सकते हैं। इसी तरह से नवीन कम लागत वाली स्वच्छता प्रणाली को लागू करना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छता प्रणाली को लागू करना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस क्षेत्र या राज्य में रह रहे हैं, वहाँ के सभी लोग इस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं कि वह ऐसी कोई भी प्रणाली आ जाएगी अपने घर में लगा लेंगे या उसके लिए वह योग्य हैं। क्योंकि अगर किसी को खाने की समस्या है या और मूलभूत समस्याएं हैं तो पहले निश्चित रूप से वह मूलभूत समस्याओं पर विचार करेगा, उसके लिए वह कार्य करेगा, उसकी पूर्ति के लिए वह श्रम करेगा। लेकिन अगर हम कम लागत में ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं जो सबके लिए उपयोग हो, हमें ऐसे बारे में भी सोचना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जो समझ रहे हैं कि हमारा योगदान इस क्षेत्र में हो सकता है, वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करें जिससे कम लागत में ऐसी व्यवस्था की जाए जो हमारे जो गरीब भाई बहनें हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सब मिलकर चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से कर पाएंगे। इसी तरह से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए स्थायी जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रदान करना। यह भी हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि जल आपूर्ति एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके शहरों में तो हो भी रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वह कई बार बिजली की समस्या हो, चाहे और कोई तकनीकी समस्या हो, यह उनको हमेशा उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती रहता है। उसी तरह साफ सफाई से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित, जबकि आजकल आप लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़ा कचरा उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवस्था की गई है, शहरी क्षेत्रों में तो व्यवस्था की ही गई है। कई तरह के ऐसे योजनाएं हैं, नीतियां हैं जो किया जा रहा है, लेकिन सतही स्तर पर और ऐसे एक क्षेत्र में जहां आप समझ रहे हैं कि लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है, या लोग उतने जागरूक नहीं हैं, या लोग अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आपको यह निश्चित रूप से करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो ऐसे क्षेत्र में ऐसे लोग जहां रह रहे हैं वहां इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए, जो अभी तक चुनौती के रूप में ही बना हुआ है हमारे सामने में। इसी तरह से देश से क्षेत्रों के भीतर असमानताओं को कम करना। जैसा कि आपको पता होगा हमारे देश में विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि ऐसी समाचार हमें मिलती है कि एक क्षेत्र में, एक राज्य में तो बाढ़ की समस्या है, दूसरे क्षेत्र में तो सूखे की समस्या है। अब हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि ऐसी कोई नीति हम नहीं बना सकते जो पूरे देश में लागू हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर क्षेत्र की, हर राज्य की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग पर्यावरण है, उनकी जो जरूरतें हैं वह अलग हैं। तो ये क्षेत्रों के बीच या राज्यों के बीच जो अंतर है उसमें हम क्या ऐसी व्यवस्था लाएं जिससे कहीं अगर सूखा है और कहीं अगर बाढ़ की स्थिति आ गई है तो दोनों के बीच ऐसा ना हो कि जहां पानी बहुत ज़्यादा है वहां पानी कम किया जा सके, और जहां पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है वहां उचित रूप से पानी की पहुंच हो जाए। इस व्यवस्था को करने में भी हमें अधिक श्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह जो समस्या है यह हमारे लिए चुनौती अवश्य है, लेकिन इसको हम अवसर के रूप में भी ले सकते हैं और इस दिशा में भी हम सोच सकते हैं कि जहां कम पानी है या और कोई ऐसी समस्या है और दूसरे जगह, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्यों में उसका समाधान है, तो दोनों के बीच हम तालमेल करें। और इसमें अगर हम योगदान देते हैं तो दो समाजों को जोड़ने में और दो राज्यों को, दो विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में या इस रूप से समान करने में निश्चित रूप से हमारी भूमिका हो सकती है। इसी तरह से जल एवं स्वच्छता सेवाओं की स्थिरता। कभी कभी क्या देखा जाता है कि विभिन्न योजनाएं आ जाती हैं या कई स्वयंसेवी संगठन बहुत काम कर लेते हैं, वह कुछ दिनों तक तो चलता रहता है लेकिन उसमें स्थिरता नहीं आती है। स्थिरता रहना का अर्थ यहाँ यह है कि अगर कुछ चल रही है, चाहे कोई नीतियां हो, चाहे योजना हो, चाहे किसी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वह व्यवस्था की गई है, तो अगर वो 2 साल तक चल रही है, 4 साल तक चल रही है, तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह सुचारू रूप से, स्थिर रूप से चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। उसमें ऐसा ना हो कि 2 साल तक तो वह व्यवस्था की गई ही, फिर तीसरे साल में वहाँ के लोगों को वही समस्याएं फिर से आ गई हैं। इसके प्रसंग हमें सोचना चाहिए और हम इस बात पर निश्चित रूप से ध्यान रखें कि वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको किस रूप से हम सुधार करें, और उसमें ऐसी हो कि उसमें सतत विकास की जैसे हम बात कर रहे हैं उसी तरह से स्थिरता उसमें बनी रहे, वहाँ के लोगों को उससे संबंधित कोई समस्या न मिले। यह जो हमने विभिन्न मुद्दों पर बात की, यह रिचर्ड पायस की पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन से ली गई है। यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि हमने अभी बात की कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं जिसके प्रसंग हमें सोचना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें ढूंढने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें दृढ़ संकल्पित होने की ज़रूरत है, हमें अनुशासित होने की ज़रूरत है। और एक बार अगर हम ठान लें कि नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, चाहे वो स्वच्छता की हो, चाहे पर्यावरण की हो, जो हम इस समाज में नहीं कर सकते हैं, अगर हम ये सोच लें तो निश्चित रूप से समाधान उसका मिल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अभी जो हमने चुनौतियों की बात की, समस्याओं की बात की, उसके समाधान क्या हैं। समाधान पर अगर हम बात करना शुरू करें तब हम पाते हैं कि सामुदायिक स्तर पर अस्वच्छता की समस्याओं का संभावित स्थायी समाधान पारिस्थितिक स्वच्छता है, जिसको इकोलॉजिकल सैनिटेशन या इकोसैन भी कहा जाता है। यहाँ पारिस्थितिक स्वच्छता से यह मतलब है, जो पर्यावरण की अभी हम बात कर रहे थे, अगर इकोलॉजिकल सैनिटेशन या पारिस्थितिक माहौल ठीक रहेगा तो इसका समाधान निश्चित रूप से निकल जाएगा। पर्यावरण की समस्या और स्वच्छता की समस्या जो है, इसका निदान इसी में अंतर्निहित है। आगे बताया जाता है कि पारिस्थितिक स्वच्छता स्वच्छता के एक रूप का वर्णन करती है जिसमें आमतौर पर मानव अपशिष्टों में मौजूद पानी और पोषक तत्वों को स्थानीय पर्यावरण में वापस लाना शामिल होता है। पारिस्थितिक स्वच्छता इकोलॉजिकल सैनिटेशन दृष्टिकोण मानव अपशिष्ट और अपशिष्ट जल को एक अवसर के रूप में देखता है। जब ठीक से डिजाइन और संचालित किया जाता है तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन प्रणालियां मानव अपशिष्टों को मिट्टी में लौटाए जाने वाले पोषक तत्वों में और पानी को भूमि में वापस लाने के लिए एक स्वच्छ रूप से सुरक्षित, किफायती और बंद लूप प्रणाली प्रदान करती है। पारिस्थितिक स्वच्छता के मुख्य उद्देश्यों की अगर हम चर्चा करें तो वह है स्वच्छता, दूषित पानी और अपशिष्ट से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना, सतही और भूजल के प्रदूषण को रोकना और अपशिष्टों में निहित पोषक तत्वों या ऊर्जा का पुनः उपयोग करना। यह जो हमने अभी समाधान की चर्चा की है, यह हमने मोहम्मद अकरम की पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन से लिया है। अब अगर हम चर्चा करें, हमने समस्याओं के बारे में सोच लिया, हमने समाधान के बारे में सोच लिया, तो एक तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन या जिसको हम पारिस्थितिक स्वच्छता भी कहते हैं, इकोलॉजिकल सैनिटेशन की हमने चर्चा कर ली। एक अलग से समाधान की भी व्यवस्था की गई है जिसकी अगर हम चर्चा करें, आप सबने 3R's सिद्धांत के बारे में सुना होगा। 3R's का मतलब होता है, 3R इसमें है जिसको रिड्यूस अर्थात कम करना, रीयूज एंड रिसाइकिल, रीयूज यानी जिसका दोबारा उपयोग किया जा सके और पुनर्चक्रण रिसाइकिल को बोलते हैं। तो यहाँ जो 3R हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, जिसको कम करना, दोबारा उपयोग करना और पुनर्चक्रण कहा जाता है, इसके बारे में अगर हम सोचें, और जबकि इसकी अवधारणा हमने वीबी हंस की जो पुस्तक है कल्चर ऑफ सैनिटेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू सुलभ, इस पुस्तक से ली है। अगर हम रिड्यूस की बात करें, रीयूज की बात करें और रिसाइकिल की बात करें, रिड्यूस में आप ये कर सकते हैं, अगर आप पानी का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप लग रहा है कि हमको 3 गिलास के बदले 1 गिलास में काम चल जाएगा, तो आप उसकी खपत वहीं कम कर लें। आप जहां बैठे हुए हैं वहां अगर आपको लग रहा है कि 2 बल्ब के बदले 1 बल्ब से हमारा काम चल जाएगा, तो 1 बल्ब का प्रयोग करें। आप इस कार्यालय में काम कर रहे हैं जहां आप ही के क्षेत्र के 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जिसको कारपूल कहा जाता है, आप बारी बारी से एक साथ जाएं, जिससे 5 गाड़ी जाने के बदले 4 ही गाड़ी या 1 गाड़ी में काम चल सकता है। इसी तरह से अगर आप अपने जो आपके आने जाने के जो साधन हैं उसका कम उपयोग करेंगे, आपको ये लगता है इनसे कम किया जा सकता है, जिसको रिड्यूस कहा जाता है। चाहे आप पानी की कम खर्चा करें, चाहे ईंधन कम बचाएं, चाहे आप रोशनी की बात करें वहां कम करें, या आपको लगता है ऐसी कोई भी चीज जो पर्यावरण या स्वच्छता से जुड़ा हुआ है उसका कम उपयोग करने से हम अपना योगदान दे सकते हैं, तो वह आप निश्चित रूप से करें। उसी तरह से जब हम रीयूज की चर्चा करते हैं तो ये आप समझिए, रीयूज की आजकल चर्चा की जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि रीयूज वाली बात नई चीज है, नई अवधारणा है। परंपरागत रूप से आप देखते होंगे, आप जिस किसी भी वातावरण में रह रहे होंगे, जिस किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि में रह रहे होंगे, जिस किसी क्षेत्र में रह रहे होंगे, आप देखते होंगे या अपने दादी माँ या नानी से बात करें तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में परंपरागत रूप से रीयूज का प्रचलन रहा है, पुनः उपयोग का प्रचलन रहा है। जैसे आप लें, सामान्य उदाहरण लें, अगर सूती का कपड़ा रहता है तो बड़े जब वो कपड़ा पहन लेते हैं, छोटा हो जाता है, उसको छोटा करके किसी दूसरे बच्चे के लिए बना दिया जाता है, फिर उसका उपयोग किया जाता है। उसी सूती कपड़े से कई बार जो बिछाने के लिए जब हम गद्दा का उपयोग करते हैं तब बिछावन में हम गद्दे के उपयोग में भी उसका उपयोग कर लेते हैं। कई बार हम जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो जब हम दिया जलाने के लिए भी उसका भी उसमें उपयोग कर लेते हैं। और अंततः जब किसी काम का नहीं रहता है तब हम घर की साफ सफाई में उसी कपड़े का उपयोग कर लेते हैं। तो अगर हम ये बात करें रीयूज की, पुनः उपयोग की, तो परंपरागत रूप से ही दिखाई गई है। ऐसे कई चीज आपको घर में मिल जाएंगी जिसका हम निश्चित रूप से परंपरागत रूप से पुनः उपयोग करते आ रहे हैं, एक ही चीज का बार बार उपयोग करते आ रहे हैं। यह कोई नई अवधारणा नहीं है। अंतर इतना ही है कि आपको जो आपके समाज द्वारा प्रचलित मान्यताएं हैं, परंपरा हैं, उसको आपको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसी तरह से रिसाइकिल की जब बात आती है, कैसे ऐसी कई ऐसी चीज़ें आपके पास हैं जिसको पुनः से चक्रण किया जा सकता है, जिसका अगर आप समझ रहे हैं उसको उपयुक्त जगह पर देकर उसका रिसाइकिल भी करवाया जा सकता है। समाज में ऐसी कई व्यवस्था की गई हैं जिससे आप इस तरह से कम उपयोग करके, इस तरह से आप दोबारा उपयोग करके या पुनर्चक्रण करके आप पर्यावरण और स्वच्छता की रक्षा कर सकते हैं। और पर्यावरण और स्वच्छता से संबंधित कई ऐसे योजनाएं राष्ट्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी कई काम चल रहा है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी कई काम कर रही हैं। सतत विकास लक्ष्य जो विश्व का है, जिसको SDG कहा जाता है, इसका जो छठा लक्ष्य है वह भी इसी से संबंधित है। तो कई स्तर पर, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, और इसके साथ ही कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या कई ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं जो साफ सफाई से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित इस करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको भी आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मैं इस क्षेत्र में मैं क्या भूमिका अपना दे सकता हूँ, क्योंकि आप सबको यह पता चल गया होगा कि अलग अलग रूप से हमें जो परंपरागत रूप से सिखाया गया है उसमें हम इसका कैसे उपयोग करें, हम अपने परंपरा का कैसे निर्वाह करें। आपको कभी भी नहीं सिखाया जाता होगा कि पानी का दुरुपयोग करें। घर में जब आप खाना खाते हैं या बैठते हैं या पानी पीते हैं या जब आप तालाब के पास जाते हैं, आपको उसको प्रदूषित करने के लिए कभी कोई नहीं कहता होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप स्वयं सजग हो जाएं, आप यह सोचें कि हम ऐसा क्यों करें। अंततः यह जो पर्यावरण है यही हमें आता है वापस लौट के। अगर हम यहाँ के जल को प्रदूषित करेंगे, यहाँ के वायु को प्रदूषित करेंगे, या ध्वनि प्रदूषण से हम जो कर रहे हैं उससे दूसरे को नुकसान बाद में होगा, हम स्वयं उसके नज़दीक हैं तो सबसे पहले नुकसान तो हमें ही होगा। इस तरह से आप बहुत छोटे छोटे काम करके, क्योंकि स्वच्छता जो है वह अगर आप घर में कर रहे हैं या जहां आपका कार्यस्थल है या जहां आप विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं या कार्यरत हैं या जिस किसी क्षेत्र में आप हैं, वहां अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर कर रहे हैं तो आपका यह छोटे छोटे योगदान बहुत बड़ा बन के निकलता है। जहां आप जा रहे हैं आपको लग रहा है कि यहाँ जो 2 स्विच ऑफ हम कर दें इससे लाइट की बचत हो जाएगी, यहाँ जो नल इसमें पानी बह रहा है अनावश्यक रूप से इसको अगर हम बंद कर दें तो इससे लाभ होगा। कहीं और आपको कुछ दिख रहा है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जिससे छोटी छोटी आदतें करके न सिर्फ आप पर्यावरण को सुरक्षित रखने में या पारिस्थितिकी स्वच्छता को बनाए रखने में या स्वच्छता से संबंधित अपनी जो अहम भूमिका है उसको निभाने में आप योगदान देंगे, बल्कि आपको इससे आत्मसंतुष्टि होगी। क्योंकि आपके ऐसे कुछ कार्य करने से न सिर्फ 2, 4, 10 व्यक्तियों को लाभ हो रहा है, अपितु समाज में जब यह चल रहा है तो यह न सिर्फ उस समाज में बल्कि उस क्षेत्र में और व्यापक स्तर पर, उस राष्ट्र या विश्व स्तर पर इसका परिणाम दिखता है। क्योंकि अगर आप दूसरी ओर से सोचें, आपके द्वारा किया गया छोटा सा नुकसान या कुछ नुकसान या हानि अगर दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है तो आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य निश्चित रूप से दूसरों को भी खुशहाल रखेगा। और इस तरह आप एक आदत बना लें कि हाल हाल में हमको पर्यावरण की रक्षा करनी है। और पर्यावरण की रक्षा करनी है, जैसे हमने कहा, चाहे आप राखी बांधकर करें, चाहे आप वृक्षारोपण में अपनी सहभागिता दें, या कम से कम ये सोच लें कि मैं जल को प्रदूषित नहीं करूँगा, वायु को प्रदूषित नहीं करूँगा, मृदा को प्रदूषित नहीं करूँगा, ध्वनि में प्रदूषण में मेरा कोई योगदान नहीं होगा। अगर इन छोटे छोटे आदतों से अपनी कार्य प्रणालियों में आप सुधार कर लें, अपने व्यवहार में आप सुधार कर लें, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी ये आदत बन जाएगी। और जब स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं, इसकी पढ़ाई से आपको यही फायदा होने वाला है कि आप खुद में आपको इन सब से आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हमने समाज के लिए कुछ किया, पर्यावरण के लिए हमने कुछ किया और स्वच्छता के लिए हमने कुछ किया, इससे आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। इस तरह से आज हमने इस बात पर चर्चा की कि स्वच्छता, समाज और पर्यावरण किस तरह से अंतः संबंधित है और स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए आप पर्यावरण और समाज की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं। हमने इन विषयों पर चर्चा करने के लिए कुछ खास पुस्तकों की मदद ली है। अब हम आपके सामने वह संदर्भ सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों पर गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो इन पुस्तकों की मदद ले सकते हैं। यह संदर्भ सूची कुछ इस प्रकार से है। मोहम्मद अकरम की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन। वीबी हंस की पुस्तक है कल्चर ऑफ सैनिटेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू सुलभ। हेतुकर झा की पुस्तक है सैनिटेशन इन इंडिया अ हिस्टोरिको सोशियोलॉजिकल सर्वे। बीके नागला की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन। बीके नागला का एक आलेख है प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन इन इंडिया डज कल्चर मैटर। यह सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जर्नल में प्रकाशित है। रिचर्ड पायस की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन। जे.ई. पार्क एवं के पार्क की पुस्तक है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। बिंदेश्वर पाठक की संपादित पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेप्रिवेशन। आशीष सक्सेना की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन। जी.आर.पी. सिंह की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र परिचय। अनिल वघेला की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र। इस प्रकार से आप इस विभिन्न संदर्भ सूची की मदद से आप इस पर गहन अध्ययन कर सकते हैं। और इस तरह से हमने ये देखा कि समाज का स्वच्छता से और पर्यावरण से क्या नज़दीकी संबंध है, इस पर हमने आज चर्चा की। हमारा जो अगला व्याख्यान होगा वह जन स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है। किस तरह से स्वास्थ्यता और स्वच्छता संबंधित है और स्वास्थ्य का स्वच्छता से क्या प्रभाव है और एक दूसरे से कैसे यह अंतर्निहित है, एक दूसरे से कैसे यह निर्भर है और स्वच्छता का स्वस्थ रखने में क्या योगदान हो सकता है, इस पर हमारी अगली चर्चा होगी अगले व्याख्यान में। इस तरह से आपने काफ़ी मनोयोग पूर्वक आज के व्याख्यान में अपनी सहभागिता दी, आपने गंभीरता से इसको सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।